गाइस पास से देखो कैसा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे होते हैं सातों अजूबे कंप्लीट। ये देख लो यार कितना मस्त लग रहा है, एक अच्छा सा लुक आ रहा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ एक मस्त जगह पे जिसका नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क। भाई इस पार्क की दो खास बात है, पहली कि दुनिया के सात अजूबा आपको इसी पार्क में मिल जाएगा, क्या बोला तूने, और दूसरी वो मैं वीडियो के आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल कर लेते हैं लोकेशन की बात। तो ये पड़ता है सराय काले खां में और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है हजरत निज़ामुद्दीन, और बाइक से भी आप आ सकते हैं, पार्किंग अवेलेबल है, उसका चार्ज मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है तो फिलहाल चलते हैं और सातों अजूबों को बारी बारी से करके एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एक फाउंटेन मिल जाता है, लेकिन ये अभी क्या है ना कि चालू नहीं है, तो पता नहीं कब चालू होगा। तो चलते हैं फिलहाल सीधा इसके अंदर में। तो गाइस पहला अजूबा आपको मिल जाता है मिस्र का पिरामिड, जो कि आप पीछे देख सकते हो, मैं आपको इसको सही से दिखाता हूँ। इस पिरामिड की हाइट की बात करें तो ओरिजिनल जो है वो है 455 फीट, लेकिन यहाँ पे 20-25 फीट का बनाया गया होगा। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं लीलिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि इटली में है। और गाइस इसकी ओरिजिनल हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है 183 फीट, और ये जो है ना भाई देख लो एक झुका हुआ, मतलब एक साइड से झुका हुआ है। अभी चलते हैं तीसरा अजूबा की ओर। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम एफिल टावर, जो कि फ्रांस में है। इसकी हाइट की बात करें तो यह है 1063 फीट। तो गाइस अब हम चलते हैं चौथे अजूबे की ओर, देखते हैं चौथा अजूबा आखिर क्या मिलने वाला है अभी हमें। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कोलिजियम में, जो कि इटली में पड़ता है। गाइस पास से देखो कैसा दिख रहा है, ये नीचे जो है ना पूरा पत्थर है ये। गाइस कोलिजियम की हाइट की बात करें तो ये 188 मीटर लंबा, और इसकी जो चौड़ाई है वो 156 मीटर है, और इसकी सबसे खास बात 65,000 लोग एक साथ इसमें आ सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम पांचवे अजूबे की ओर, देखते हैं पांचवा अजूबा आखिर यहाँ पे क्या है। तो गाइस देख लो कहाँ पहुँच गए हम, ये यहाँ के लिए पांचवा अजूबा है लेकिन दुनिया का पहला अजूबा है ताजमहल, जो कि प्यार की निशानी है। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. तो भाई ताजमहल की हाइट की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 365 फीट है और चौड़ाई 240 फीट, और भाई ये जो है ना आगरा में पड़ता है, हम सबको पता है। तो गाइस काफी सारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं, देख सकते हो आप कितना भीड़ लगा हुआ है। अब चलते हैं छठे अजूबे की ओर, देखते हैं छठा अजूबा आखिर यहाँ पे क्या है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं रियो रिडीमर के पास में, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो गाइज इसकी हाइट की बात करें तो ये है 124 फीट की। तो गाइज अब चलते हैं हम सातवें अजूबे की ओर, और ये जो अजूबा है इस पार्क का लास्ट है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में, जो कि यूएसए में है।
तो गाइज यहाँ पे होते हैं सातों अजूबे कंप्लीट। अब हम चलते इस पार्क का कुछ और चीज़ देखने। यहाँ पे ना फाउंटेन वगैरह बड़ा मस्त है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। लाइटिंग का देखते हैं अभी। और सबसे अच्छी बात नहीं, देख लो साइड साइड में ना कुछ बैठने को दिया हो, जहाँ आराम से आकर बैठ सकते हो आप। और भाई लाइटिंग देख लो, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे जितने भी इधर पेड़ है ना सबके ऊपर ये लगाया गया है। भाई मस्त लग रहा है एकदम। और यहाँ पे देख लो, ये देख लो यार कितना मस्त लग रहा है। ये छोटा सा और देखते हैं इस पार्क में क्या क्या है। भाई इधर देख लो एक हाथी, मस्त लाइटिंग लगाया हुआ है हाथी पे। और इस साइड भी देख लो यार, रात को देखने का इसका मजा अलग है। और आगे देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पे खाने का कुछ है कि नहीं हम आपको बताते हैं। भाई यहाँ पे सामने दिख रहा है फूड पॉइंट, शायद वहाँ पे आपको खाने को मिल सकता है। बाहर से एक्चुअली लाना यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाहर से कुछ भी खाना लेके नहीं आ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं खाने के आइटम, यदि आपको भूख लगी तो यहाँ पे आके आप खा सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। भाई यहाँ पे देखो एक बैठने का बनाया हुआ है, मस्त सा जगह, लोग आके यहाँ पे फोटो भी क्लिक करवाते हैं। गाइस बैठ चुके हैं, देख लो इधर मस्त एकदम बैठ सकते हो। ऊपर में भी देखो लाइटिंग है, एक अच्छा सा लुक आ रहा है। तो गाइस ये था पार्क का एक छोटा सा टूर। और आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे कि यहाँ पे दो खास बात है, एक खास बात तो बता दिए थे, और दूसरी जो इस पार्क की खास बात है ना, ये जितने भी आपने सात चीज़ देखा है वो सभी वेस्ट आइटम से बना हुआ है। मतलब कि जितने भी रॉड थे या फिर कुछ टीन वगैरह थे, छड़ थे, उनसे मिला के सबको बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वेस्ट आइटम को एक यूज़ में लिया गया और इतना अच्छा शानदार सा जगह बना दिया गया, और सभी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, is this